हे दोस्तों नमस्ते, कैसे आप सब। और मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी जो ये वीडियो है वो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा वीडियो है वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों तक और पाकिस्तान के लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मैं जब रात भर आज मैंने मैच देखी है, क्योंकि यहाँ पे रात को 3 बजे भारत और बांग्लादेश की मैच शुरू हुई और तब से मैं मैच देख रहा हूँ। और मैंने देखा कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बहुत 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 बुरी तरह से मैच हारा है, बहुत बुरी तरह से मैच खेला है। और जो ये क्यों खेला है, क्योंकि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है वो हमेशा हार रहे थे और उनका कोई भी चांस सेमीफाइनल में नहीं था। और अगर वो फिर भी आ भी जाते थे तो उनका आगे फाइनल तक जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उनमें वो उन खिलाड़ियों में वो क्वालिटी ही नहीं है जो वो बता सके अपने लोगों को। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए बांग्लादेश के खिलाड़ियों तक, क्योंकि वो भूल गए कि 1971 में पाकिस्तान लोगों ने उनके साथ क्या किया था और भारत ने उनके साथ क्या किया है। वो हर बार भूल जाते कि भारत ने उनके साथ क्या किया है, और हमेशा याद रखते कि पाकिस्तान उनके भाई है। और उसी वजह से वो लोग इन लोगों ने आज का जो मैच था वो हार गए हैं। और मैं क्योंकि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फिर से अपने घर जाना है, इसके लिए उन्होंने ये मैच फिक्स किया था बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ। और उस मैच फिक्सिंग में बांग्लादेश के खिलाड़ी उनसे मैच हार गए और बहुत ही बुरी तरह से हार गए। हाँ, सिर्फ इतना ही उन्होंने अच्छा काम किया कि पाकिस्तान को फाइनल तक सेमीफाइनल तक नहीं जाने दिया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जो इज्जत है उसको थोड़ा सा बचाया है। और पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों में कोई भी क्रिकेट की कुछ भी क्वालिटीज़ उनमें नहीं दिखाई दे रही है मुझे। और जो जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने मैच खेला है मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। आप उनके सभी मैचेस को उठा के देख लीजिए। अभी अभी भारत के साथ ही जब उनकी मैच हुई थी तो उन्होंने कितना अच्छा खेला था, और ऐसा एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि वो भारत से वो मैच छीन के ले जा सकते थे, मगर भारत के खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और वो मैच जीत लिया। मुझे बहुत ही बुरा लगा कि बांग्लादेशियों ने इस तरह से नहीं करना चाहिए था, उन्हें थोड़ा तो भी अपने 1971 को याद करना चाहिए था। पहले तो हर बार 1971 में भी भारत ने इनको स्वतंत्रता दिलाई तो आज ये स्वतंत्रता के साथ घूम रहे हैं। और हमेशा जब भी ये भारत को हराते हैं तो इनकी गंदी हरकतें करना ये चालू कर देते हैं। कभी धोनी का सिर हाथ में लेके घूमने लगते हैं, कभी पूरे खिलाड़ियों को आधा टकला कर देते हैं और उनके पिक्चर्स फेसबुक पे और यहाँ वहाँ ट्वीट करना चालू कर देते हैं। इस तरह के इन लोगों की गंदी हरकतें चालू हो जाती है। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। और ये मैच बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच फिक्स था, ये मैं 100% कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता था और मुझे भी क्रिकेट की मालूमात है। तो ठीक है दोस्तों, तो अब चलो मैं रखता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।